इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट्सएप आपको ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन कोड के लिए आपसे परमिशन मांगता है, तो उस परमिशन को हम कैसे दे सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा शुरू देखिएगा, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करने के लिए होती है परमिशन। तो कैसे देंगे आप ये मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। तो फ़ोन की सेटिंग्स में हम चलते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर हमें ऐप्स में जाना पड़ेगा, तो ऐप्स में भी चलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें जो है मैनेज ऐप्स में जाना पड़ेगा, तो मैनेज ऐप्स में भी चलते हैं। और मैनेज ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पर हमें अपने व्हाट्सएप को फाइंड कर लेना होगा। सबसे नीचे हमें व्हाट्सएप मिल जाएगा, तो हम उसे खोल लेंगे, ठीक है। तो ये रहा व्हाट्सएप, इसे खोल लेना है। देन यहाँ पर आपको सबसे पहले इसकी परमिशन ऑटोमेटिकली करने के लिए अदर परमिशंस पे जाना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पर मैसेजेस की जो ये वाली सर्विस देने होगी होगी इसको आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। और बैक ला दीजिएगा ऐप परमिशंस पे जाकर, यहाँ पर SMS, ये जो फ़ोन की परमिशन है ये अलाउ कर देनी है, एंड देन यहाँ पर फ़ोन ये वाली परमिशन भी अलाउ कर देनी है SMS और फ़ोन की। तो बस इतनी ही अलाउ करिएगा, कॉल्स लॉक्स की भी कर दीजिएगा, वरना आपकी मर्जी है मत करिएगा। इससे ही आपकी जो ये परमिशन है ये ऑन हो जाएगी। बस यहाँ पर फोर्स स्टॉप मारकर इसको दोबारा चलाइएगा, तो फिर आपसे ये मांगेगी नहीं। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।